हमारी पुलिस आग बुझाती भी है, लेकिन जरूरत पड़े तो आग लगा भी सकती है। हेलो, तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, माओवादियों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? शट अप। तंजावुर जिले के हजारों किसान रैली निकालकर धरना दे रहे हैं। ये धरना क्यों दे रहे हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। ये धरना किस लिए है? पहले से ही हमारे जिले में माइनिंग करके ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। कॉर्पोरेट कंपनी को हमारी जमीन देकर उस पर खुदाई करके हमारी मिट्टी, हमारी फसल, सब कुछ बर्बाद कर दी। अब फिर से खोदना है बताकर ये महान कंपनी फिर से खुदाई शुरू कर रही है, और उसके लिए हमें डराकर हमारी जमीन को खरीदा जा रहा है। लेकिन आज हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। कंपनी के लोगों का कहना है कि अपनी जमीन अपने मर्जी से दी है, क्या ये सच है? कुछ गांव में इन कीड़ों के कहर से बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। उस नुकसान की वजह से कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेचने का फैसला लिया है। उन सबको लेकर वो लोग रजिस्ट्री करवाने वाले हैं। देखो आ गया, वो देखो आ गया। जमीन बेचने वाले यही लोग हैं सर। रजिस्ट्रेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो बात नहीं है सर, यहाँ पर हजारों किसान धरना दे रहे हैं सर, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पुलिस फोर्स और चाहिए, मैनेज नहीं हो पाएगा। पुलिस वालों को बंदूकें दीपावली में चलाने के लिए दी हैं क्या? सर अभी तक तो किसान शांति से बैठे, एक्शन लिया तो कुछ भी हो सकता है। वो तोड़ फोड़ कर सकते हैं या फिर आगजनी कर सकते हैं। समझ गया। देखिए सर, पब्लिक ही पुलिस को मार रही है, पुलिस वैन चला रही है। तंजावुर जिले में माओवादी बढ़ते जा रहे हैं। बीज बोने वाले, नारियल छीलने वाले, प्राकृतिक खेती के नाम पर ऐसे लोग रह रहे हैं। वहां पर झगड़े बढ़ने की वजह यही लोग हैं सर। तुम टेंशन मत लो, सब मुझ पे छोड़ दो। आर्मी फोर्स को भेजकर इनको क्लीन करवा देते हैं, फिर कोई भी धरने का नाम नहीं लेगा। याद रखिए मेरी बात, एक महीने के अंदर 6 दंगे हो चुके हैं, 16 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। मिलिट्री भेजकर हमारी जनता पर ही वार, कितना अच्छा हिटलर वाला आइडिया है। अच्छा, इन पुलिस की वजह से इस एक महीने में कितनी जनता मारी गई है? अब ये सब क्या लगा रखा है? बोलो कदीर। 312 लोग मर चुके हैं। ओ गॉड, इतने सारे लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, थोड़ा ओपनली बात कर सकता हूँ? या जैसा सर ने कहा, बीज बोने वाला, नारियल छीलने वाला, प्राकृतिक खेती करने वाला भेस बनाकर नहीं घूमता, वही तो उसकी जिंदगी है। उसकी जमीन से होता अन्याय देखकर उसका खून खौलता है, तब वो धरने पर बैठता है। अगर धरना देना गलत है तो धरने की सिचुएशन पैदा करना भी गलत है। तो उसके लिए सरकारी चीजों को बर्बाद करना तुम्हें अच्छा लगता है? पब्लिक जो पुलिस को मार रही है वो सही है क्या? वो लोग पब्लिक नहीं है सर, पब्लिक की तरह दिखने वाले लोग हैं। बाकी चैनल पर दिखाए फुटेज को भी देखिए, पुलिस कैसे लोगों का सिर फोड़ रही है, कैसे जानवरों की तरह लोगों पर बेझिझक गोलियां चला रहे हैं। ये सब तो यहाँ किसी फुटेज में नहीं है, यहाँ आपको और मुझे दिखाने के लिए एक अलग फुटेज एडिट किया गया है। हमारी पुलिस आग बुझाती भी है, लेकिन जरूरत पड़े तो आग लगा भी सकती है। हेलो, तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, माओवादियों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? शट अप। इन्हें बोलने की परमिशन मैंने दी है।
एग्रीकल्चरल लैंड में माइनिंग लाइसेंस देना ही प्रॉब्लम है क्या कदीर? वही तो गलत है सर। रिसर्च करेंगे खनिज निकालने का लाइसेंस लेकर। थोरियम, यूरेनियम ये चुपचाप निकाल कर बाहर विदेश में भेजा जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी खेती की जाने वाली जमीन पर अचानक से सुरंग बनाने का लाइसेंस दे दिया जाए तो किसान कहां जाएगा सर? जिंदगी का मकसद खत्म, जीने का आधार खत्म, तो क्या करेगा? आई एम सॉरी सर, लेकिन अगर मैं वहां होता तो मैं भी इस वक्त धरना ही देता। वहां की सो कॉल्ड लीगल माइंस को हम बंद क्यों नहीं कर सकते? एट माइंस महान ग्रुप ऑफ कंपनीज महादेव की है। उनके पास एक्साइज, एक्सपोर्ट, एनवायरमेंटल, पोल्यूशन कंट्रोल ऐसे सभी डिपार्टमेंट की परमिशन है, इसलिए चला है। वो कोर्ट भी जा सकते हैं। जाने दो, उसी कोर्ट में हम लोग भी जाएंगे, क्या होगा देख लेंगे। संतोष सर, आप एक काम कीजिए, महादेव ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में कल एक डिटेल्ड रिपोर्ट मुझे दो। ओके श्योर सर। अरे कुलदीप सर, भूख लग रही है यार, मेरा पिज्जा कहाँ है? सर सिर्फ 10 मिनट सर, एसपीजी ग्रुप चेक कर रहे हैं। हो गया, तब तक ठंडा होकर हलवा बन चुका होगा।